alaikum dear students how are all of you today the date is 2nd june 2020 and the day is tuesday today we will uh, read out the rest of the unit one start from the page number four i'm going to ask the great o's to send me back home to kansas which is dorothy Word's hand dorothy dialogue and कि मैं ग्रेट ओज के पास जा रही हूँ जो कि एक किंग है उस मैजिकल लैंड का और ताकि वो मुझे कैनसास में वापस भेजे कैनसास एक जगह का नाम है जहाँ पे डॉर्थी रहती है उसका घर वहाँ पे है वेयर इज़ द सिटी सेट द स्केरक्रो स्केयर क्रो ने कहा एमरल्ड सिटी कहाँ है एंड हु इज़ ओज और ओज कौन है वाई डोंट यू नो वाई डोंट यू नो तुम क्यों जाना चाहते हो शी रिप्लाइड इन सरप्राइज हैरानी से वो पूछ रही थी कि वो क्यों जाना चाहता है कि एमरड सिटी कहाँ है ओज कौन है नो इन डीड आई डोंट नो एनी थिंग यू सी आई एम स्टफ्ड विद स्ट्रॉ सो आई ऑल ही आंसर्ड सैडली उसने बहुत अफसरदा अंदाज में कहा नहीं यकीन नहीं मैं नहीं जानता तुम देख सकती हो मैं तिनकों से भरा हुआ हूँ और मेरे पास दिमाग नहीं है ही आंसर सैट बहुत अफसुदा अंदाज़ में कहा कि मेरे पास ब्रेन नहीं है मैं तो तिनकों से भरा हुआ हूँ इसलिए मुझे नहीं पता कुछ भी ओ सैड डॉर्थी आई एम सॉरी फॉर यू डॉर्थी ने कहा मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है डू यू थिंक ही आस्ड क्या तुम सोच सकती हो इफ़ आई गो टू एमरेड सिटी विद यू मैं तुम्हारे साथ एमरेड सिटी जाऊँ डेट ओज वुड गिव मी समि ओज मुझे भी कुछ ब्रेंस कुछ दिमाग दे सके आई डोंट नो शी रिप्लाइड उसने जवाब दिया मैं नहीं जानती कम टू द एमरेड सिटी विद मी एंड टोटो यू कैन आस द ग्रेट ओज फॉर अव ब्रेन मेरे ओ टोटो के साथ एमरेड सिटी चलो तुम ओज से दिमाग के बारे में बात कर सकते हो पूछ सकते हो वट इफ़ ही डजट गिव मी वन अगर उसने मुझे एक नहीं दिया तो यू शूड ट्राई एनी वे लेकिन तुम्हें एक दफा कोशिश करनी चाहिए सेट डोर थी डोर थी ने कहा यू हैव नथिंग टू लॉस तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है दैट इज़ ट्रू सेट द स्केयर क्रो स् केयर क्रो ने कहा ये बिल्कुल ठीक है यू सी आई डोंट माइंड माई लैग्स एंड आर्म्स एंड बॉडी बींग स्टफ्ड मैं बुरा नहीं मनाऊंगा मेरी टांगें और आर्म्स और बॉडी मेरी बाजू मेरी टांगें और मेरा पूरा जिस्म पूरी बॉडी भरी हुई है स्टफ्ड है बिकॉज आई कॉन्ट गेट हर्ट क्योंकि मैं हर्ट नहीं, नहीं हो सकता इसीलिए मैं हर्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसकी पूरी बॉडी तीनको से भरी होती है उसको कोई चोट नहीं लग सकती इफ़ एनी वन ट्रेड्स ऑन माई टोज और स्टिक्स अ पिन इन टू मी अगर कोई मेरी डोज के ऊपर पाँव रख दे या मुझे कोई स्टिक या पिन के साथ मुझे एक पिंच बो दे स्टिक मतलब तो पिंच बोना इट डजेंट मैटर बिकॉज आई खांट फील इट ये मुझे महसूस नहीं होगा क्योंकि uh, ये इट डजेंट मैटर ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए बिकॉज़ आई खांट फील इट क्योंकि मैं इसे महसूस नहीं कर सकता एज यू नो स्टूडेंट्स केयर क्रोक स्टफ्ड विद स्ट्रॉज सो दैट्स वाई नथिंग कुड बी हार्ट है ओके टारथी लिसन्ड केयरफुली टॉर्थी ने बहुत गौर से सुना एंड नोडिड और सल हिलाया शी वॉज अमेज टू सी द स्केयर क्रो वॉकिंग एंड टोकिंग वो बहुत हैरान थी कि स्केयर क्रो बात भी कर रहा है और चल भी रहा है बट आई डोंट आई डोन्ट वॉन्ट पीपल टू कॉल मी आ फूल लेकिन मैं लोगों को ये मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे बेवकूफ़ बोलें एंड इफ़ माई हेड स्टेज स्टफ्ट विद स्ट्रॉ और अगर मेरा सर इसी तरह तिनकों से भरा रहा इंस्टिड ऑफ विद ब्रेन दिमाग के बजाय इसमें तिनके भरे रहेज शॉज इज जैसा तुम्हारा है हाउ एम आई एवर टू नो एनी थिंग मैं कुछ किसी भी चीज़ के बारे में कैसे जान सकता हूँ एक्चुअली स्टूडेंट्स के करो वॉन्ट्स टू वॉन्ट्स अ ब्रेन बिकॉज हिज हेड वॉज स्टफ विद स्ट्रॉज सो दैट्स वाई ही घंट think about anything he can't feel anything about uh, feel anything so he wants to know each and everything around uh, him like a human like a human being okay so that's why he wants to get a brain from Os okay students now move toward our next page page number five i understand how you feel I सैद द लिटिल गर् छोटी लड़की ने कहा ओ व स्टोरी सॉरी फॉर हिम तुम्हारे लिए कौन अफसरदा होगा इफ़ यू विल कम विद मी अगर तुम मेरे साथ आओ आई आस्क ओस्ट टू डू ऑल ही कैन फर यू मैं ओस से कहूँगी कि वो तुम्हारे जो भी हो सकता है करे थैंक यू ही आंसर्ड ग्रेटफुली वो बहुत शुक्र शुक्रगुजार अंदाज में उसने जवाब दिया थैंक यू चौथी टोटू एंड द स्केरख्रो वॉक टू द फेंस. डोटी टोटू जो कि एक डॉग है और स्केख्रो बाढ़ के साथ साथ चलने लगे दे क्लाइंड ओवर इट एंड स्टार्टेड वॉकिंग अलॉन्ग द येलो ब्रिक रोड टूअर्ड्स द एमरल सिटी और वह सब रोड के साथ साथ पीली ईंटों के ऊपर चलने लगे और कहाँ पे जा रहे थे एमरल्ड सिटी टो स्निफ्ट टोटू ने सूँगा अराउंड द स्ट्रॉ मैन स्ट्रॉ मैन को वो उसके इर्द के चक्कर भी लगा रहा था और उसने सूँगा ही ग्राउड वो घुर्राया एज़ इफ़ ही सस्पेक्टेड दे आर माइट बी अ नेस्ट ऑफ रैट्स इन द स्ट्रॉ क्योंकि उसे शक था सस्पेक्टेड उसको शक था कि स्ट्रॉज में रैट्स ने अपना नेस्ट बनाया हुआ है रैट्स कौन थे चूहे ही वॉज बिहेविंग इन एन अनफ्रेंडली वे वो बहुत ही गैर दोस्ताना अंदाज में बर्ताव कर रहा था बिकॉज ही डिडन नो द स्केयरक्रो क्योंकि वो स्केयरक्रो को नहीं जानता था डोट माइंड टोटू टोटू बुरा मत मनाओ सेट टोर् टू हर न्यू फ्रेंड टोर्थी ने अपनी नए फ्रेंड से कहावर बाइट्स डोंट माइंड टोटू ये वो टोटो से कह रही है और जो नेक्स्ट है ही नेवर बाइट्स वो स्केरक्रो से कह रही है कि ये काटता नहीं है ओ आई एम नॉट एफ्रेंड मैं नहीं डरा हुआ रिप्लाई द स्केयर क्रो स्केयरक्रो ने कहा काट हर द्रो ये स्ट्रॉस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता टो टू बी नाइस सेट डॉर्टी टू हर डॉग डॉर्टी ने अपने डॉग से कहा टो टू बी नाइस इट मीन्स कि वो उसको कहना चाह रही है कि अपना बिहेवियर अच्छा रखो फ्रेंडली रखो बी नाइस एंड बैन डाउन टू पैट हिम और नीचे बैठ के उसको प्यार करने लगी देन शी अप हर बास्केट उसने अपनी टोकरी उठाई एंड दे बिगेन वॉकिंग अगेन और वो दोबारा से चलने लगी टू लेट मी कैरी दैट बास्केट फॉर यू अपनी बास्केट मुझे उठाने दो आई शैल नॉट माइंड इट मैं बुरा नहीं मनाऊँगा फॉर आई कांट गेट टायर्ड मैं नहीं थकता मैं थक नहीं सकता सेट ड स्केयर क्रो क्रो ने कहा आई यू अ सीक्रेट मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊँ एक राज बताऊँ ही कंटिन्यूड उसने अपना कंटिन्यूड मतलब वो बात कंटिन्यू कर रहा था जारी रख रहा था स्टॉप नहीं किया उसने पॉज नहीं लिया एज ही वॉक टू लॉन्ग जब वो चल रहे थे देर इज़ ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड आई एम एफ्रेड ऑफ अब उसको एक सीक्रेट बता रहा है कि मैं किसी चीज़ से नहीं डरता लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जिससे मैं भी डरता हूँ वट इज़ दैट आज टॉर्ती टॉर्थी ने कहा वो क्या है इज़ इट द फार्मर हु मेड यू क्या ये एक फार्मर है जिसने तुम्हें बनाया नो आंसर ड स्केयर क्रोप स्केयरक्रोन का नहीं इट्स अ लाइटेड मैच यस एग्जैक्टली इट्स अ लाइटेड मैच स्टूडेंट्स जो मैच बॉक्स होती है मैच स्टिक्स जिसमें होती हैं जिसको आप उर्दू में माचिस की डिब्बिया भी बोलते हैं ये सिर्फ उससे डरता है वैसे ये उससे क्यों डरता है लाइटेड मैच में ऐसा क्या है इसकी क्या रीज़न हो सकती है ओके आई टेल यू बिकॉज ही इज स्टफ्ड विथ स्ट्रॉज तिनकों से जो भरा हुआ है और तिनकों को फ़ौर ही मैच बॉक्स मैच जो आग जो है वो फ़ौर से तिनकों को पकड़ लेती है और इससे ये पूरा जल सकता है फिनिश डिस्ट्रॉयड हो सकता है इसकी बॉडी पूरी तो इस वजह से ये किससे डरता है लाइटेड मैच ओके स्टूडेंट्स नाओ योर यूनिट वन इज़ कम्प्लीट एंड इन द लास्ट एट द लास्ट ऑफ द स्टोरी ही राइट्स द नेम ऑफ द बुक इट इज़ अडेप्टिड फ्राम अडेप्टिड का मीनिंग होता है कि ये स्टोरी जो है ये ली गई है किसी बुक में से और बुक का नाम क्या है द वडरफुल विजिट ऑफ ओज जो कि लिखी है एल फ्रैंक बॉम एंड दिस इज़ द शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर एंड ओके स्टूडेंट्स योर लेक्चर इज़ ओवर एंड योर होम असाइमेंट इज दैट आई अंडरलाइन फ्यू वर्ड्स You have to write these words uh, on your notebook or sorry on your rough registers and uh, with its synonyms and you have to find out the, the synonyms of the given words underlined words from the dictionary so you have to consult the dictionary for uh, finding out the possible synonyms of underlined words okay students aloha face